आई होप यू आर फिट एंड फाइन इन योर होम। ड्यू टू कोविड-19 के कारण से आप सभी स्टूडेंट्स की न्यू सेशन की क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, इस कारण से हम सभी टीचर्स ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं ताकि आप सभी की स्टडी कंटिन्यू रहे। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज शबनम खान एंड आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम हिंदी स्टार्ट करेंगे और ये रही आपकी हिंदी की बुक, इस बुक में से हम हिंदी पढ़ेंगे। ओके, आपकी हिंदी का फर्स्ट पार्ट दिया है संकल्प। संकल्प मीन्स क्या होता है? संकल्प में यानी प्रण करना या फिर निश्चय, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? संकल्प। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कविता। है चाह यही, संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लटके हुए अधर में हैं, उनके घर आंगन में हम उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नव जोत जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के परवानों को हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल के बिल्कुल सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। एक बार और पढ़ते हैं मैं पोयम। है चाह यही, संकल्प यही। संकल्प मीन्स होता है प्रण या फिर निश्चय करना। हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, निराश्रित मीन्स होता है जो बेसहारा लोग हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? निराश्रित। जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लटके हुए अधर में हैं, अधर अधर मीन्स क्या होता है? अधर मीन्स होता है जो मुसीबत में है, उसे हम क्या बोलते हैं? अधर। उनके घर आंगन में हम उद्यम का दीप जलाएंगे। उद्यम मीन्स क्या? परिश्रम, ठीक है। उद्यम का मतलब क्या होता है? परिश्रम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवजोत जगाएंगे। चिरागो, चिरागो मीन्स दीपक, ठीक है, और ज्योत, ज्योत मीन्स ज्योति। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के परवानों को हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व, सर्वस्व यानी सब कुछ चढ़ाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल के बिल्कुल सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाकर ही अपना सब कुछ कर्ज चुकाएंगे। ओके, आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।